नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडविला पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 26 इंग्लिश क्लास 6। बच्चे आप यहाँ अपना नाम लिखिएगा और यहाँ अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर का नाम। चैप्टर का नाम है लेसन फेयर प्ले। स्टार्ट जो लास्ट पार्ट रह गया है वो हमें पढ़ेंगे, फेयर प्ले जो है। उससे पहले ये क्वेश्चन के आंसर करते हैं कि हैव योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग, मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग ऐसा कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने कुछ गलत किया हो? हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने एक बार किया था तो मैं यस लगाऊंगी। डिड योर फ्रेंड ट्राई टू करेक्ट हिमसेल्फ, क्या उसने तुम्हारी सलाह से उसको ठीक करने की कोशिश की थी? हाँ, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड बहुत अच्छी थी और उसने इस बात को समझा था। व्हाट चेंज आफ्टर सजेशन टू योर फ्रेंड, आपके जब सजेशन के बाद आपके फ्रेंड में क्या चेंज आया? कि भाई माय फ्रेंड हम लिखेंगे रियलाइज्ड, मेरी फ्रेंड ने रियलाइज किया हर मिस्टेक, आप क्यों लिख सकते हो हर या हिज मिस्टेक, ठीक है, एंड वी बिकेम ट्रू फ्रेंड, हम सच्चे फ्रेंड बन चुके थे। और सीधी सी बात है, और डीप हमारे में जो लव था वो भी प्यारा गहरा हो चुका था। आप इस तरह की कोई भी लाइन लिख सकते हो, ठीक है, क्या चेंज आया था। नाउ नेक्स्ट, चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। आगे क्या हुआ था कि पंचायत वाज, याद है ना आपको, साहू के पास बैल अलगू ने बेचा था और उसका बैल मर गया था, उसने पैसे देने से मना कर दिया था, है ना। तो पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री, उसी बनियन ट्री के नीचे पंचायत लगी। अलगू स्टूड अप, खड़ा हुआ एंड कहा द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, जो पंच की आवाज है वो गॉड की आवाज है। लेट साहू नॉमिनेट हेड पंच, चलो साहू को ही नॉमिनेट करने दो कि वो किस हेड को हेड पंच चुनेगा। तो आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन, मैं उसके डिसीजन से मना नहीं करूंगा, उसके डिसीजन को मानूंगा। साहू सा हिज चांस, अब साहू को तो मौका मिल गया। ही प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, अब जुम्मन का नाम दे दिया उसने। और जुम्मन तो पता ही ना, उन दोनों की दोस्ती में दिक्कत आई थी, दरार आई थी अलगू और जुम्मन की, यस आंटी की वजह से। कहानी अगर नए बच्चे जुड़ रहे हैं तो जरूर देखिए पिछली वीडियो उसको। तो अलगूज हार्ट सैंक, अब उसका दिल तो बैठ रहा है, उसको डर लग रहा है कि भाई जुम्मन को हेड पंच बना दिया और मैंने तो कह दिया है कि मैं साहू की बात मानूंगा। ही टर्न पेल, और उस चेहरा उसका पीला पड़ गया। बट ही कुड नॉट, ही कुड डू, व्हाट कुड ही डू, क्या कर सकता था, कुछ नहीं। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जैसे ही जुम्मन हेड पंच बना, ही राइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज ए जज रियलाइज किया। और द डिग्निटी ऑफ ऑफिस, जो एक पद था वो ऑफिस था, वो जगह थी पंच की, सरपंच की, उसको उसने रियलाइज किया। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वो उस जगह पे बैठ सकता था और वहां से बदला ले सकता था, वो सोच रहा, उसके दिमाग में विचार चल रहे हैं। पहले तो सोचा था मैं बदला लूंगा, लेकिन जैसे सरपंच बन गया कौन, जुम्मन, उसने सोचा मैं बदला तो ले नहीं सकता। ये थॉट एंड थॉट बहुत सोच रहा है, लेकिन नो, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth, मतलब जस्टिस में, न्याय में और सच्चाई में उसकी पर्सनल भावनाएं नहीं आनी चाहिए, ये उसने कहा। सोचा जैसे सरपंच बन गया, उसने सोचा नहीं, मैं सरपंच वाला काम करूंगा, जो सही है सही की तरफ रहूंगा और सही फैसला दूंगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, उन्होंने अपने मामले बताए एक एक करके। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड, उनका क्रॉस एग्जामिन भी हुआ, एक एक करके पूछा गया कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, बहुत ध्यान से केस को सुना गया। जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस, जुम्मन ने खड़ा हुआ और अनाउंस किया, इट इज आवर ओपिनियन, कि हमारी राय है कि साहू शुड पे अलगू, साहू को अलगू को देना होगा, ठीक है, बुलॉक की कीमत देनी होगी। क्योंकि वेन साहू बॉट बुलॉक, जब उसने बुलॉक को खरीदा था, बैल को, इट सफर फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी मौत हो गई, वो दुर्भाग्य की बात है। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, इसके लिए अलगू को तो ब्लेम नहीं कर सकते, दोषी नहीं दे सकते, ब्लेम मतलब दोषी होता है। तो अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स, अब उसको अपनी फीलिंग वो रोक नहीं पाया, अब उसको पता चला कि हाँ न्याय जो है हुआ है। और ही स्टूड अप, खड़ा हुआ और बहुत तेज से बोला, खुश होके बोला,
बार बार बोलता रहा विक्ट्री टू द पंचायत, पंचायत की जीत को, पंचायत जीत गई इस बार, और जस्टिस है, यही न्याय है, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, पंचों की आवाज में भगवान रहता है। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, जल्दी ही जुम्मन अलगू के पास आया, उसे गले लगा लिया, ठीक है, और कहा सिंस द लास्ट पंचायत, जब पिछली पंचायत में आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था, टुडे आई रियलाइज, मुझे आज एहसास हो रहा है कि पंच का क्या मतलब है, और अब पंच है नो फ्रेंड और नो एनिमी, उसका कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, वो तो सिर्फ न्याय को जानता है। लेट्स नो डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, हम न्याय के रास्ते से नहीं हटते हैं, सच्चाई के रास्ते से नहीं हटते हैं, हम फ्रेंडशिप और दुश्मन के लिए, दुश्मनी के लिए ये गलत सही के रास्ते पे ऐसा नहीं करेंगे कि गलत जाएंगे, हम हमेशा न्याय और सच्चाई के रास्ते पे चलेंगे। अलगू एम्ब्रेस हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को गले लगा लिया, रोया बहुत, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो उनके बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी थी, सब खत्म हो गए थे, उस दिन से वो दोबारे दोस्त बन गए। कहानी अच्छी थी ना, चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पैसेज राइट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स लिखने हैं, अब हमने पैसेज तो पढ़ लिया है। चलिए पहला, साहू saw his chance of propose and proposed the name of Juman as a head punch, साहू को उसका मौका मिला तो उसने जुम्मन को हेड पंच बनाया, सही है कि गलत है, देखिए साफ साफ वहां पे दिख रहा है ना, साहू को चांस मिला और उसने जुम्मन का नाम लिया, ये तो ट्रू है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। जुम्मन अनाउंस दैट साहू शुड नॉट पे अलगू द प्राइस ऑफ बुलक, क्या उसने ये कहा था कि साहू को पैसे नहीं देने, नहीं ये तो फॉल्स है, उसने तो कहा था कि पैसे देने होंगे। अ पंच नोज ओनली जस्टिस, एक पंच सिर्फ न्याय जानती है, उसका कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, यस ये लाइन इसमें आई थी और ये भी ट्रू है। जुम्मन रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुम्मन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व रियलाइज हुआ जब वो जज बना, और वंस ही बिकेम हेड पंच, जब वो हेड पंच बन गया, यस ये भी ट्रू है, क्योंकि देखिए उसको रियलाइज हुआ था पंच का क्या मतलब है, लिखा है ना पंच का क्या मतलब, ये रियलाइज हुआ था उसे। अलगू एंड जुम्मन इम्प्रेस ईच अदर, उन लोगों ने अपने आप एक दूसरे को इम्प्रेस यानी कि गले लगा लिया एट द एंड ऑफ द स्टोरी, यस देखिए यहाँ पर गले उन्होंने एक दूसरे को लगाया था, तो ये भी ट्रू है। आई थिंक आपको स्टोरी पसंद आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो ये बताइएगा कि साहू को किसको बुलक के पैसे देने थे, अलगू या जुम्मन को, किसको देने पड़े बताइए लास्ट में, साहू को कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।